मित्रों बीते दिन अररिया के दैनिक जागरण के पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे जिले में दुख की घड़ी दौर पड़ी, लेकिन कोई बेखबर था, बेपरवाह था तो बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने वह वीडियो वह खबर जरूर देखा होगा कि जब इस हत्याकांड का सवाल किसी पत्रकार के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री से की जाती है तब वह कैसे रिएक्ट करते हैं और उनकी जवाब क्या होती है। आप लोगों ने बखूबी उस सवाल के जवाब को जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा। लेकिन जिस काम को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कर लेना चाहिए वो नहीं किए, जो जेल में बंद सोनो बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप ने कर दिखाया। होता यह कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्री विमल यादव के घर पहुंचकर उनके परिवार को संतावना देते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, जो भी हो इसमें अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जल्द से जल्द पकड़कर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक कुछ अपराधी पकड़ाए हैं। लेकिन जो काम बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया, सूबे के मुखिया को करना चाहिए वो बिहार के मुखिया नहीं कर पाए, जो जेल के सलाखों के अंदर बंद मनीष कश्यप ने कर दिखाया। मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप विमल यादव के घर पहुंचते हैं और उनके परिवार को संतावना देते हैं और उस घड़ी में उन परिवार के साथ खड़े होते हैं और 51,000 रुपये का मदद करते हैं और कहा कि हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग और बिहार के मनीष कश्यप का समर्थन, जो मनीष कश्यप में उस मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप वह काम भी करते नजर आ रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को करना चाहिए। बात अगर जातिवाद की भी करते हैं तो जिस पत्रकार की हत्या हुई वह अभी यादव समाज से आते हैं, उनका नाम है विमल यादव और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यादव समाज से आते हैं और बहुत सारे पत्रकार ऐसा रिपोर्ट देते रहते हैं कि अपने समाज के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री हमेशा से खड़े रहते हैं। लेकिन एक पत्रकार की जब हत्या हो जाती है तो जातिवाद को साइड कर दीजिए, धर्मवाद को साइड कर दीजिए, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री उस परिवार से अभी तक मिलने तक नहीं गए तो क्या समझा जाए। एक जेल के सलाखों के पीछे बंद मनीष कश्यप का भाई, भले वो मनीष कश्यप बंद है लेकिन मनीष कश्यप की विचारधारा बिहार के हर गली गली हर कोने कोने में घूम रहा है। तो इसीलिए ना मनीष कश्यप का छोटा भाई करण कश्यप उस परिवार के साथ उस परिवार के घर जाता है और 51,000 रुपये का मदद कर आता है और कहता है कि हम इस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, इस खबर को बताने का और आपको समझाने का मेरा मेन मकसद यही था कि जिस काम को बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सरकार के मंत्रियों द्वारा करना चाहिए, विधायक के द्वारा करना चाहिए वह नहीं करते हैं, बल्कि एक जेल के सलाखों के बंद बिहार का एक छोटा सा पत्रकार मनीष कश्यप कह लीजिए वह उस परिवार के साथ जाकर खड़े होता है और आर्थिक मदद भी करता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के सरकार को और बिहार के उप मुख्यमंत्री को इन चीजों से सीखना चाहिए और जो समाज के लिए और गरीब असहाय बेरोजगारों के लिए हमेशा से आवाज उठाता है उनके आवाजों को दबाया ना जाए, इसीलिए उनके समक्ष और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी खबर को दिखाने का मेरा मकसद यही था। बाकी आप सहन देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।